अगला अपना पाइलोडॉक, पाइल्स के लिए बिल्कुल जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसको हम लोग बवासीर बोलते हैं। अब वो खूनी बवासीर हो या नॉर्मल बवासीर हो, उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है इस प्रोडक्ट का। इसमें एलोवेरा डाला हुआ है, त्रिफला डाला हुआ है, मोरिंगा डाला हुआ है, निशोथ डाला हुआ है, सनई डाला हुआ है, नीम पत्ता डाला हुआ है और चिरायता डाला हुआ है। तो पाइल से रिलेटेड जितनी भी समस्या है, क्योंकि पाइल्स होता क्यों है, जब स्कूल टाइट हो जाता है तो मल बाहर निकलने में स्टिफनेस देता है और उसकी वजह से जख्म हो जाता है और एक्चुअल पाइल्स उसी को बोलते हैं। तो पाइल्स दो वजह से होता है। सबसे पहला, वैसे लोगों को पाइल्स जल्दी हो जाता है जो लोग बहुत तीखा खाना पसंद करते हैं, तो तीखा खाना से आपकी जो आंत है वो सिकुड़ जाती है बहुत ज्यादा। अगर मिर्च वगैरह खाते हैं तो आंतें सिकुड़ती है। दूसरा चीज, पानी अगर कोई कम पीता है उसको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, लीवर की प्रॉब्लम से ये पाइल्स की समस्या ज्यादा होती है। अगर लीवर प्रॉपर डाइजेशन नहीं कर रहा है, आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रॉपर नहीं निकल रही है, तो आपकी आंतों में प्रॉब्लम होती है जिसके चलते ये पाइल्स होता है। और सबसे ज्यादा पाइल्स में समस्या कब क्रिएट होती है, जब स्टूल टाइट हो जाता है तो ज्यादा क्रिएट करती है। तो पाइलोडॉक पाइल्स के लिए बिल्कुल एक कंप्लीट पैकेज है, मतलब पाइल्स और पाइल्स से होने वाली समस्या। जैसे पाइल्स में किसी को अगर गैस बनता है उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट इस प्रोडक्ट का है। पाइल्स में जो घाव हो जाते हैं जिसको हम लोग खूनी बवासीर लोग बोलते हैं, उसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इसमें नीम पत्ता डाला हुआ है जो घाव को भरने का काम करता है, निशोथ भरा हुआ है जो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस को सही करने का काम करता है। तो अगर कोई भी पाइल्स का प्रॉब्लम अगर आपको दिखाई देता है या किसी को भी पाइल्स होती है, तो हम लोग आंख बंद करके पाइलोडॉक दे सकते हैं। पाइलोडॉक लेने का क्या तरीका है, 20 ml 3 टाइम, 20 से 30 ml इसको कैसे लेना है, 3 बार लेना है, सुबह खाली पेट, दोपहर में खाने के बाद और रात को सोने से पहले। कैसे लेना है, सुबह खाली पेट, दोपहर में खाने के बाद और रात को सोने से पहले। जब भी आप पाइलोडॉक किसी को दें तो जरूर से जरूर फूड की आप कुछ बेसिक एडवाइस उसको जरूर दिया कीजिए, क्योंकि आप पाइलोडॉक कितना भी पिला दो, अगर उसकी खाने की हैबिट और डाइट चार्ट अगर सही नहीं रहेगा तो पाइल्स रिकवरी नहीं हो सकता है। हमेशा पाइल्स के पेशेंट को फाइबरस फूड ज्यादा खाना चाहिए, सलाद वगैरह बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए, दलिया वगैरह जो बोलते हैं वो ज्यादा यूज करवाना चाहिए। समझ आ रहा है, पानी खूब पिलाना पड़ेगा और तीखा कोई भी खाना पीना है तो तीखा उसको नहीं खाना होता है। अगर ये कुछ बेसिक एडवाइस, जो बेसिक प्रिकॉशन है जो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, जो बताया गया, अगर आप फॉलो करते हैं और पाइलोडॉक देते हैं तो 3-4 महीने के अंदर भयंकर से भयंकर जो पाइल्स की समस्या होती है वो बिल्कुल सही हो जाता है। दे सकते हैं। अगर कई लोग बोलते हैं कि सर पाइलोडॉक के साथ और क्या दिया जा सकता है, तो पाइलोडॉक के साथ आप लीवोडॉक दे सकते हैं रिजल्ट को इनहांस करने के लिए। क्या दे सकते हैं, लीवोडॉक दे सकते हैं रिजल्ट को इनहांस करने के लिए। नहीं तो पाइलोडॉक एक खुद कंप्लीट पैकेज है, पाइल से होने वाली कोई भी समस्या के लिए पाइलोडॉक एक कंप्लीट पैकेज है।